नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं dillallantop.com। एयरटेल अब वो गाना गा रहा है, सुनील ग्रोवर वाला, जिंदगी बर्बादी हो गया। उसकी साख बढ़ाने के लिए एक लड़की रात दिन एक किए हुए है, वो छोटे बालों वाली एयरटेल गर्ल कहते हैं जिसको। दूसरी लड़की है पूजा, जिसने एयरटेल को तबाह कर रखा, मतलब खटिया खड़ी कर दी है एक ही ट्वीट में। उसने मुस्लिम कस्टमर सर्विस वाले को हटाकर हिंदू भेजने की मांग की थी, ये ट्वीट याद होगा सबको। अब एयरटेल को बायकॉट करने की धमकियां चल रही हैं, ट्रेंड चल रहा है। एयरटेल ने ट्विटर पर शोएब से गगनजोत को रिप्लेस कर जितना क्विक रिस्पांस दिया था, उससे बाकी कस्टमर जो हैं वो भड़के पड़े हैं। एयरटेल ने उसके बाद दो बार क्लैरिफिकेशन भी दिया कि भाई हमको धर्म जात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन छीछा लेदर तो हो गई है। अब उस लड़की की बात, जिसका नाम पूजा है, उसके दिमाग में हिंदू मुसलमान एक दिन में नहीं आया, ये जहर धीरे धीरे इंजेक्ट किया गया है। उसने अपने घर परिवार और आसपास के माहौल में लगातार सीखा होगा, धार्मिक भेदभाव की जड़ें उसके अंदर बहुत गहरे जम गई हैं, जिसकी वजह से उसने ऐसी बात की। ये मौका था जब उसे सीख दी जा सकती थी। समझना ना समझना उससे वक्त पर छोड़ देते हैं, लेकिन इस घटना के बाद उसे जो सबक मिला है वो उसकी धार्मिक भेदभाव वाली आग को और भड़काएगा। जितने लोग उसे गालियां दे रहे हैं, ये इस दीवार को और ज़्यादा मोटी करने में लगे हुए हैं, इस खाई को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। गालियां देने वाले साबित कर रहे हैं कि इनके अंदर भी वही जहर है जो उस लड़की में है, इनके अंदर से वो और बुरे शब्दों में बाहर निकल रहा है, गालियों की शक्ल में। ये साबित करते हैं कि धार्मिक भेदभाव का जहर इनके अंदर भी है, बस वो बाहर आने के लिए पूजा जैसी किसी लड़की का सहारा पाना चाहता है। देश को इस वक्त खतरा इन दोनों तरीकों के लोगों से है। आपको आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।